माय चैनल मेक इट ऑसम। तो मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मैक्सी ड्रेसेस, कुछ एक जंप सूट, टॉप्स। तो आज का वीडियो होने वाला है हॉल वीडियो और ये सारी शॉपिंग मैंने की है मिंत्रा से। तो इनको मैं यूज़ कर चुकी हूँ और एक बार वॉश कर भी चुकी हूँ, तो वो वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वॉश होने के बाद मैं आपको असली वाला इसका रिव्यू शेयर कर पाऊंगी। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है जंप सूट, देखिए कुछ इस तरीके से। तो इसमें दिए ये रफल डिटेलिंग है सामने की तरफ, ये देखिए, और पीछे कुछ इस तरीके से, ये देखिए, और पीछे पूरी जिप दी हुई है यहां से यहाँ तक। सो पहनने में भी आसानी होती है, कपड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, पॉलिस्टर कपड़ा है और दिखने में ये जंपसूट बहुत ही क्लासी और बहुत ही सुंदर लगता है। तो एंकल लेंथ तक ये आ जाएगा, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, देखिए। पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग करना है तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसका कपड़ा पॉलिस्टर है तो ज़्यादा इचिंग वगैरह नहीं होती है, ठंडा ठंडा सा मटेरियल है। पहनने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें ब्लू कलर है, आई थिंक इसमें कलर अवेलेबल नहीं है, और ये प्रिंट के साथ तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको आराम से मशीन वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ और देखिए कितना सुंदर ये है, इसका बिल्कुल भी कलर फेड नहीं हुआ है। हाँ, एक बात इसमें कहना चाहूंगी कि ये थोड़ा सा एकदम लाइट सी थ्रू है। सो इसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि आपको स्लीव वगैरह डालने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आगे का साइड है यहाँ पर ऑलरेडी डबल लेयर आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैंट इतना सीथ्रू नहीं लगता है, थोड़ा सा सीथ्रू है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसके नीचे पैंट वगैरह पहन सकते हो। तो ये था फर्स्ट, आप ट्राई ऑन में देख लो कि ये कैसा लग रहा है। और हाँ, इसकी एक स्पेशल बात है कि हर एक टाइम पे ऐसा होता है कि हम बैग कैरी नहीं कर सकते हैं, तो मोबाइल कहाँ रखें। तो इसका बेस्ट पार्ट है कि इसको दोनों तरफ पॉकेट है, तो बहुत ही बड़ा पॉकेट है ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन अब मोबाइल इसमें आराम से आ जाएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इसमें पॉकेट दिया, ये मेरे लिए बेस्ट थिंग है। मुझे पसंद है पॉकेट वाला जो जंप सूट होता है, या फिर वन पीस या फिर मैक्सी में भी कई बार वो पॉकेट देते हैं, तो अच्छी बात है, कुछ भी हम छोटा सा उसमें कैरी कर सकते हैं ईजिली। तो कुछ इस तरीके से। हाँ, इसमें स्लीव्स अवेलेबल नहीं है, ये स्लीवलेस है। तो मेरी तरफ से तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। तो चलो अब सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड मैंने लिया है मैक्सी ड्रेस, जो है ब्लैक कलर में, देखिए कुछ इस तरीके से। तो इसका घेरा बहुत बढ़िया है और इसकी जो स्लीव्स है वो कोल्ड स्लीव्स है, ये देखिए, यहाँ से अच्छा सा यहाँ पे सा राउंड आता है, तो कोल्ड स्लीव्स में है ये है। और यहाँ पर एक हुक दिया है सामने की तरफ कि आपको आसानी से ये अंदर चला जाए, ये देखिए। बहुत ही सुंदर टोंगल्स की इस पर गोल्डन कलर की प्रिंट बनी हुई है, मैं इसको एक बार वॉश कर चुकी हूँ और ये बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल भी फेड आउट नहीं हुआ। और इसको मैंने मशीन वॉश किया, बिल्कुल भी फेड आउट नहीं हुआ है, बहुत ही सुंदर है। टोंगल भी वैसे की वैसे ही, उसके मतलब ये जो गोल्डन वाली फिनिशिंग है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुए। तो देखिए बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर ऐसे चुनिया लेकर उसका घेरा बनाया है, तो बहुत ही सुंदर है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये बेस्ट है, आप पहन सकते हो। और ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, इसका बेस्ट पार्ट यही है कि ये बिल्कुल सी थ्रू नहीं है,
प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, सो आप इसको ट्राई कर सकते हो। हाँ, इसका मटेरियल है रेयॉन मटेरियल है इसका, बहुत ही बॉडी को मतलब सुकून देने वाला मटेरियल है, बिल्कुल भी ऐसा इरिटेटिंग वाला मटेरियल नहीं है, तो ये इसका बेस्ट पार्ट हुआ। और इसका जो ब्रांड है वो ये लिबास ब्रांड है, और मैंने इसमें एल साइज परचेस किया है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट प्रोडक्ट है, आप ज़रूर से परचेस कर सकते हो। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इसको ज़रूर से परचेस करना, ये दिखने में भी सुंदर दिखता है और बहुत ही अच्छा कपड़ा है, तो ट्राई इट आउट। नेक्स्ट हम चलते हैं ए लाइन कुर्ते की तरफ। तो ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन में ये कुर्ता है, देखिए कुछ इस तरीके से राउंड शेप का इसका गला है, और ए लाइन साइड में ये कुर्ता है बिल्कुल, और देखिए नीचे की तरफ कुछ ऐसा थोड़ा सा उसका अलग ही डिज़ाइन उन्होंने दिया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ऐसा फैला हुआ है और साइड में ऐसे कट दिए हुए, तो बहुत ही सुंदर है। और दोनों साइड में कट दिए हुए और दोनों साइड के कट के लास्ट में ऐसे टेसल दिए हुए थ्रेड के, तो पहनने में तो बहुत ही सुंदर है, थोड़ा सी थ्रू है तो इस के अंदर आपको पहनना पड़ेगा। मिंत्रा से ये ब्रांड है और बहुत ही सुंदर लगा मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने इसमें थोड़ी बड़ी साइज़ मंगवा ली है, एक्चुअली मैंने इसमें एक्सेल साइज़ मंगवा लिया है, तो मुझे एम बराबर से आ जाता, तो आप अपनी करेक्ट साइज़ चूज़ करना। ये भी मैं वॉश कर चुकी हूँ, बिल्कुल भी फेड आउट नहीं हुआ है, ये हैंड वॉश भी चलेगा। इसमें मुझे सिर्फ एक ही डिसएडवांटेजेस ये लगा कि इन्होंने इसमें स्लीव्स देने चाहिए थे, स्लीव्स इसलिए क्योंकि ये जो इन्होंने बनाया ये बहुत ही बड़ी साइज़ है, सो बहुत ही अलग लगता है, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। अगर स्लीव्स देते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, या फिर ये जो उन्होंने इतना जो घेरा इसका बनाया, ये जो इतना बड़ा दिया है ना स्लीव्स का साइज़, तो उन्होंने ये थोड़ा सा कम करना चाहिए था, तो ये इसमें एक मुझे डिसएडवांटेज लगता है। और ये आप प्रेग्नेंट लेडी हो तो ये ज़रूर आप इसको ट्राई कर सकते हो, तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर है और कॉटन है, तो इचिंग वगैरह का तो कोई इश्यू ही नहीं है, और सर्दी में हो गर्मी में हो मतलब पूरे साल कॉटन चलता है, ट्रेंडी रहता है हमेशा, और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, तो कॉटन मटेरियल ही ऐसा है, बिल्कुल सॉफ्ट और सुंदर, तो दिखने में ये दिखने में बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सुंदर है, बस उतना ही उसमें डिसएडवांटेजेस है, लेकिन इसमें आप को कुछ ना कुछ अंदर पहनना पड़ेगा क्योंकि ये सी थ्रू है। तो ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये आप लेगिंग्स के साथ भी पेयर कर सकते हो या फिर बिना लेगिंग्स के भी पेयर कर सकते हो, क्योंकि ये ए लाइन कुर्ते के साथ साथ आप इसको एज अ मैक्सी ड्रेस भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ही सुंदर लगता है, तो आप पक्का से ज़रूर से ट्राई करना इसको। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है लास्ट जो मैंने मिंत्रा से मंगवाया है फोर्थ, तो मैंने ये जीन्स वाल के ऊपर टॉप मंगवाया है, पूरा डार्क सॉलिड कलर में मंगवाया है, ग्रीन कलर में, तो ये बॉटल ग्रीन कलर है, कैमरा थोड़ा कलर अलग बता रहे हैं, तो इसको गले में इस तरीके की डिटेलिंग है, बहुत ही सुंदर, ये जो है ये टिकली जो होती है ना वो वर्क इन्होंने किया हुआ है, तो गले में जब आता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, और राउंड शेप का इसका गला है, पीछे साइड में इन्होंने छोटा सा ये बटन दिया है पहनने के लिए, इसको तो कुछ इस तरीके से ये कुर्ता है, देखिए आप 3/4 इसकी स्लीव्स है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्लेन सिंपल कुर्ता है, सिर्फ गले में इसको बहुत ही अच्छी बहुत ही सुंदर डिटेलिंग दी हुई है, पॉलिस्टर इसका कपड़ा है, मशीन वॉश इसको आप इजीली कर सकते हो, एकदम रफ एंड टफ इसको आप यूज़ कर सकते हो, आप स्कर्ट के ऊपर पहन लो, जीन्स के ऊपर पहन लो, रेडी टू गो, आप टकिंग करके भी पहन सकते हो, टकआउट करके भी पहन सकते हो, तो आपकी मर्जी है आप कौन सा भी कपड़ा कैसे स्टाइल कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं इसको साड़ी के साथ भी पेयर कर सकती हो, क्योंकि ये सॉलिड कलर में है, नेक में इसके अच्छे से डिज़ाइन है, तो आप पहन लो 3/4 स्लीव्स अगर आपको पसंद आती होगी, तो कोई भी एक थोड़ी सी जो डिज़ाइन वाली जो साड़ी होती है, मतलब ये प्लेन है तो इसके ऊपर आपको कुछ भी ऐसा डिज़ाइन वाला जो होगा फ्लावरी या फिर एनी डिज़ाइन, तो वो साड़ी इस पर बहुत ही अच्छी लगेगी,
तो अभी आजकल तो जीन्स के ऊपर के टॉप ऐसे आ रहे हैं कि आप साड़ी के साथ भी उसको अच्छे से पेयर कर सकते हो। तो बस वही है कि आप उसको कैसे पेयर करते हो, आप उसमें कैसे अलग अलग ट्राई आप कर सकते हो, ये पूरा तरीके से आपके ऊपर है। तो ये भी बहुत ही सुंदर है, बहुत मुझे पसंद आया। और ये सारे प्रोडक्ट जो है तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, मिंत्रा में सारे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके सारे चारे चीज़ों की मैं लिंक दे दूंगी। तो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट, तो आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस बार मैंने दो प्रोडक्ट ऐसे बताए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी काम में आ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा आफ्टर वॉश वाला वीडियो मैंने इस बार बनाने का सोचा था, तो वही वीडियो है। बिल्कुल चारों प्रोडक्ट का बिल्कुल भी कलर फेड आउट नहीं हुआ है, प्रिंट भी एज इट इज़ है, एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट मुझे इस बार मिले हैं मिंत्रा से। तो आप ज़रूर से ट्राई करना, आपको चारों में से कौन सा पसंद आया वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको किस टाइप के वीडियो और पसंद आते हैं, तो वो भी मैं शेयर आपके साथ ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।